और स्वामी जी इम्यूनिटी में एक थोड़ा प्रॉब्लम ऐसा है कि उससे नापना आसान नहीं है। जैसे बुखार को तो आप नाप लेते हो इतना डिग्री, बुखार को, बीपी को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, सब चीज़ों को माप लेते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर इम्यूनिटी के अभी है नहीं क्लियर, क्योंकि वो एक कलेक्टिव पैरामीटर है, सब कुछ चीज़ें एक साथ मिलकर इम्यूनिटी के बारे में बताते हैं। तो इम्यून स्टेट को डिफाइन करना अपने आप में अब तक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अब वो काम हम क्लिनिकल लेवल पर करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बेसिक इम्यूनिटी है, अगर इन्फेक्शंस के रेट कितने हैं, लोगों को अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में कितने खुद खुश हैं, तो वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ आ रही है वो भी ये बताती है कि उनका इम्यून लेवल कैसा है, बार बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, छोटी मोटी दिक्कत से परेशान नहीं होते हैं, और कभी बुखार आ भी जाता है तो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। तो वो सब पैरामीटर ऐड करके स्वामी जी हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना रहे हैं जो बेसिकली इम्यूनिटी को ह्यूमन में नापेगा और बताएगा कि जब इम्यूनिटी थोड़ी सी कम हो गई तो हमारी औषधियों से कितनी जल्दी और कब किस डोज पे अच्छे से ठीक होती है। तो वो समझिए अभी काम चल रहा है। अभी जब तक ये काम पूरा होगा इतना तो कर ही लो, तुम्हारी जो एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा और तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारा दिल दिमाग, तुम्हारी हड्डियाँ, तुम्हारे लीवर, किडनी, सारी चीज़ों पर इसका अच्छा असर होने वाला। ये रसायन है, रसायन मतलब आपके जीवन को लंबा करने वाला। पहले राजा महाराजा लोग खाते थे रसायन, उसमें औषधियों के साथ इनके एक्सट्रैक्ट निकालने के साथ इनके अर्क भी पिया करते थे, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता अर्क। अभी ये भी निकालो डॉक्टर साहब, इम्यूनोग्रिट अर्क। ठीक है सर, इम्यूनोग्रिट अर्क, ठीक है। हाँ, ये जो थोड़े कमज़ोर से प्राणी है, इनको दवाई भी हजम नहीं होती, गोली भी नीचे से निकल जाती है, ऊपर से खाओ नीचे से गोली साफ। तो कुछ टिके तो इम्यूनोग्रिट अर्क बना। ठीक है स्वामी जी, आज इस काम पे ठीक है स्वामी। ये हमारे डॉक्टर ऐसे हैं, बोलते ही एक्शन में चालू हो जाते हैं। चलो अब आज जो बताने आए थे वो बताएंगे, कोलोग्रेट के बारे में बताएंगे। हाँ, ये बड़ी जबरदस्त है कोलोग्रेट।